नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब हम हर जिले को क्रमवार पढ़ेंगे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज पहले हम पढ़ेंगे चमोली जनपद के बारे में। पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 ईस्वी को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए थे। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में मनाया गया। बद्रीनाथ के पास दंतमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ में व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं का त्रिशूल लेख मिलता है। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यहाँ शिव मंदिर छत्रप्रसाद मध्य हिमालयी शैली में बना है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में स्थित है। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेय मोड़ नामक स्थान पर कचियुरियों की राजधानी थी। चमोली जिले का क्षेत्रफल 80,030 वर्ग किलोमीटर है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राज्य का। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में ही पाई जाती हैं। नंदा देवी पश्चिम पर्वत, कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नर पर्वत, दूनागिरी व द्रोणागिरी पर्वत, नंदाकोट पर्वत, ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में है, जय विजय पर्वत, माणा चोटी, बद्रीनाथ पर्वत, संतो पंत पर्वत, नंदा घुमटी पर्वत, गंधमादन पर्वत, नारायण पर्वत, मुकुट पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत, गुन्नी पर्वत, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ में है, देवी स्थान पर्वत। भाप कुंड तपोवन में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि कुंड भी चमोली में है। वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। ये मूर्ति रहित मंदिरों में से मंदिरों का एक समूह है। चमोली जनपद की झीलें और उनके जलप्रपात होमकुंड ताल, संतोपत ताल, लिंगा ताल व आंचरी ताल, विरही ताल, सुख ताल, जल ताल, बेनी ताल, काक भुसुंडी ताल, मणिभद्र ताल व सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, आदिमंत्रिका ताल और गौना झील, ये सभी चमोली में स्थित है। चमोली जिले के प्रसिद्ध कुंड मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, स्तप्त कुंड। चमोली जिले की प्रसिद्ध शिलाएं वराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला। चमोली जिले की प्रसिद्ध धाराएं उर्वशी धारा, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा स्थित अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीबन व खादूखर्क बुग्याल है। जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर सलगर नामक गर्म झरना है। दंड धारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनदों का ग्रुप है। ये बाराटोली, रमानी, नंदकना हिमनद आदि। संतोवंत व बागेश्वर ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देने लगते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। कल्पानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत है। अलकापुरी हिमनद माणा के पास स्थित है। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। हिपरावमा ग्लेशियर चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा डुंगरी या ला दर्रा चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित है। बालचा, चोर होती, सलसला एवं लमलंग, तंजुन, भिंडार दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच स्थित है। बारा होती, मार्चियोक, लातूधुरा व टोपी दुंगा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। कानलिधि दर्रा उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित है। सुंदर डुंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित है। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है, जिसके आसपास नंदूताल व सानूताल है। नीति घाटी चमोली जिले में टिम्मरसैंण नामक धार्मिक स्थल पर है। सोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी, हेलंग घाटी, उर्दम घाटी, हाल्पा घाटी और मंडल घाटी भी चमोली में है। टिम्मरसैंण गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। व्यास, गणेश, नारद, स्कंद एवं मुखचंद गुफा चमोली में स्थित है। राज्य में टिन धातु केवल चमोली में ही पाया जाता है। चमोली के मोहन खाल, नागनाथ पोखरी व धनपुर क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर
वह डोलामाइट चमोली के पीपलकोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा व वरही गंगा नदियों गंगा घाटियों में पाया जाता है। चमोली के पोखरी व पिंडर घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूपगंगा घाटी में की गई थी। चमोली जनपद के बुग्याल या पयार, कैला बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है जो रूपकुंड के पास स्थित है। इसे वेदों का प्रेरणा स्थल भी कहा जाता है। गड़सों बुग्याल ये हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित है। जलीसेरा बुग्याल चमोली तपोवन में स्थित है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास चौफिट शिखर पर। हुनिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के समीप। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में स्थित है। लक्ष्मीवन रणकोर गस्तोली बुग्याल माणा से ऊपर को है। पुंग एवं पन्यार बुग्याल चमोली में स्थित है। चित्रकंठा क्वारी कल्पनाथ बुग्याल भेटी कोटाखर चौमासी बुग्याल सुठिंग बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। ओली बुग्याल चमोली स्थित ओली बुग्याल एशिया का सबसे सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग पॉइंट है। बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। चमोली जिले के रेणी लाता आदि गांवों के लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना देना शुरू किया। झपटो जीनो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना एवं वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था। मैती आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। यह आंदोलन 1996 ईस्वी में शुरू हुआ। मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते थे जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते थे। मैती आंदोलन को मात्र रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान ने 1974 ईस्वी में किया था। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में चमोली जनपद से शुरू हुआ था। गौरा देवी के पति का नाम मेहरवान सिंह था। गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृक्ष पुरस्कार मिला। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी 21 महिलाओं के साथ भाग लिया था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध एवं अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था। चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुड़ा गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुड़ा ने हिमालय बचाओ देश बढ़ाओ बचाओ का नारा दिया। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में नारा दिया था, क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल रूपकुंड। चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहते हैं। रूपकुंड नरकंकालों की खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। रूपकुंड के कंकालों का अनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की है। ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है। जोशीमठ कतूरी राजाओं की राजधानी थी। शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी एवं यहीं पर पूर्णागिरी पीठ की स्थापना की। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा 200 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे कर्जन ट्रेल मार्ग कहते हैं। गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली सीमा के बीच पहाड़ों से घिरा एक रमणीय स्थल है। 1920 ईस्वी में लेडी वेलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई तब इस शहर को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। लेडी वेलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। गोचर का आधुनिक एवं विकास मेला 1943 ईस्वी में तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के अंतिम गाँव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रीपुर कहा गया है। माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीमपुल स्थित है। मुखचंद व्यास व गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल है। माणा गांव भोटियाओं की मार्था जनजाति की ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता
माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाखंड का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है जो नंदा देवी, कामेट, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है। गढ़माल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। अक्टूबर 1993 को शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया था। एशिया का सबसे लंबा व सबसे ऊंचा रोपवे औली में है जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। औली के पास गुड़सो बुग्याल और चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। दयाली सेरा नामक स्थान औली के चमोली में स्थित है। लवकुश मंदिर, अनुसुईया माता मंदिर एवं अत्रिमुनि आश्रम, बगानगढ़ी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, जलेश्वर मंदिर, लाटू देवता का मंदिर, बैरास कुंड चमोली जनपद में स्थित है। बैरास कुंड मंदिर में रावण की पूजा होती है। चमोली में स्थित पंचबद्री हैं, विशाल बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है। इससे पहली बद्री भी कहा जाता है जिसका पुराना नाम अनिमठ था। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। योगदान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पांडव शिला भी है। भविष्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। चमोली जनपद के प्रमुख मेले व त्यौहार हरियाली पूड़ा मेला नौटी गांव चमोली क्षेत्र में चैत्र मास की पहली गति को लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। वैरास कुंठ मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला उमा कर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ से बद्रीनाथ कपाट खुलने के कुछ दिन पहले लगता है। गुराव मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के। बंड विकास मेला चमोली के पीपलकोटी में लगता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद किया जाता है। अठवाड़ मेला का आयोजन 12 वर्षों में माड़ा गांव के घंटाखंड मंदिर में होता है। नौठा कौतिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौतिक उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से सलूड़, डुंगरा, सेलंग आदि गांवों में बैसाख माह में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव के पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में मुखौटे दो रूप के हैं, द्योपंतर देवताओं के मुखौटे व खल्यारी मनोरंजक मुखौटे। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्माण के पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता एवं पूरी रम्माण 18 मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव माल मल्ल युद्ध होता है जो स्थानीय लोग गोरखों व स्थानीय लोगों के बीच का युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। बढ़िया बढ़ियाण नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर बुनियाण नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त संस्कृत धरोहर घोषित किया गया। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र झांकी की थीम रम्माण उत्सव था। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा गढ़वालों कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है जो 12 वर्षों में एक बार होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजजात चमोली के कांसवा गाँव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है जो 19-20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर के राजकुमारों द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला मेड़ा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतोली के लोग नाच चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी राजजात यात्रा में नंदकेसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा करते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का भारभाग लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पातर नचौड़िया कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती।
नंदा देवी राजराज यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद चार सिंह वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खेरवा फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खाड़ू को वहीं छोड़कर नंदा देवी राजराज यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजराज यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी। इससे पहले सन 2000 में यात्रा हुई थी। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली गोपेश्वर में है। राजकीय विधि कॉलेज चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गोचर में किया गया। राजकीय मड़वा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी चमोली में स्थित है। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में है। दयाली सेरा नामक स्थान ओली चमोली में है। तोपगढ़, बगानगढ़, लोहाबगढ़ व दसौलीगढ़ चमोली में है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था। नारायण बगड़ व झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। जोकापानी एवं भोरापानी चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने के कारण उनकी मौत हो गई। फ्रैंक एस स्मिथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। बर्नी हट चमोली के वेदिनी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम के चमोली में स्थित है। अवनी बुग्याल थराली चमोली में स्थित है। तो दोस्तों, ये था चमोली जनपद के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे देहरादून जनपद के बारे में। तब तक के लिए बाय।